हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो जो हम लेके आए हैं ये है एग्जिस्टिंग मनाली रोड। ये जो लोकेशन अभी है आपको दिखाई दे रही है ये है कोठीपुरा से नोनी चौक के बीच में। तो देखिए दोस्तों, मैं एग्जैक्टली बिल्कुल उसी लोकेशन पर खड़ा हुआ हूँ। अभी यहाँ पर बैरीगेट कर रखा है ताकि कम से कम गाड़ियाँ यहाँ से अंदर जा सकें और हमारे काम में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो वहाँ पर। तो दोस्तों चलो आपको आगे लेके चलते हैं। इससे पहले दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए लेके आ सकूं और टाइम से मैं आपको इस प्रोजेक्ट के अपडेट देता रहूं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कई बार दिखा रखा है, ये वाला स्ट्रेच में जो ऑलमोस्ट काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे साइन बोर्ड, रोड पेंटिंग, रोड मार्किंग एटसेट्रा काफ़ी काम कंप्लीट कर लिए हमने। ये जो आप फुट ओवर ब्रिज दिखाई दे रहा है आपको, इसमें पेंट का काम हो चुका है और थोड़ा बहुत जो फिनिशिंग वर्क बाकी है इसमें जस्ट अभी, बाकी तो सारा काम हो ही चुका है यहाँ का। ये देखिए जो आपको लेफ्ट साइड में ये प्लांट दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर कोई एक टू लेन की कंपनी आई हुई है यूनिकॉर्न नाम से, उसका प्लांट है ये। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है जो, जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमने यहाँ पे काम किया है ये बड़ा ही ज़्यादा स्पीड से और बहुत ही अच्छे तरीके से किए, करने की कोशिश की है ताकि इन फ्यूचर कोई भी किसी को दिक्कत ना आए। ये देखो कितना शानदार दिखाई दे रहा है आपको रोड, पूरी रोड के साइन बोर्ड वगैरह लग के बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है ये। ये देखिए यहाँ पर साइड में जो मेटालिक क्रैश बैरियर है ये भी लगा दिए गए हैं, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट थी उनके वहाँ पे लगा दिए गए हैं ये। ये देखिए दोस्तों, अभी यहाँ से कुछ आगे चलते ही जो हमारा रेलवे ब्रिज है और रेलवे की जो टनल है उसका काम चालू है अभी, वो यहाँ से लगभग आधा एक किलोमीटर के आसपास पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, जो ये साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे पहुँचते ही हमें वो रेलवे ब्रिज दिखाई देने लग जाएगा। ये जो गर्डर का मटेरियल पड़ा है ये रेलवे ब्रिज का ही है, यहाँ पे बोस्टिंग टाइप का गर्डर बनना है जो बीच वाले स्पैन के लिए है, जो साइड वाले स्पैन की गर्डर लॉन्चिंग हो चुकी है और उनकी स्लैब भी आज लास्ट स्लैब है जो चार स्पैन की कंप्लीट हो जाएगी। अभी बीच के बस दो स्पैन बचेंगे जिनकी पहले लॉन्चिंग करेंगे, उसके बाद उसकी स्लैब की कंक्रीट कर देंगे हम जल्दी ही। ये देखिए यहाँ से ये सर्विस रोड प्रोवाइड कर दिया गया है जो कि लोकल कनेक्टिविटी के लिए रहेगा। ये देखिए जो ये सामने ROB दिखाई दे रहा है हमारा रेलवे ब्रिज, इसकी कनेक्टिविटी और जो यहाँ के लोकल पब्लिक है उसकी कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे ये सर्विस रोड दे दिया गया है, जिसमें अभी GSB डाल दी है हमने इस, और इसमें जो फर्दर मटेरियल डालना है WMM और जो DBM वो बचा हुआ है अभी। साथ के साथ यहाँ पे जो आरी पैनल, आरी वाल का काम जो ये भी बड़ी स्पीड से चला हुआ है और बड़ा शानदार तरीके से किया जा रहा है। अभी इसमें बस दो पैनल और लगने हैं, दो पैनल के लेयर ऊपर, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये आ गया हमारा रेलवे ब्रिज, यहाँ पे भी बड़ी तेज स्पीड से काम शुरू कर रखा है और उम्मीद है इसको भी बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये मशीनें कंटिन्यू यहाँ पे काम करती रहती हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको दो स्पैन दिखाई दे रहे हैं इनकी स्लैब डल चुकी है और जो ये बीच वाला एक बड़े वाला स्पैन है, ये दो स्पैन इनकी अभी गर्डर इरेक्शन करके स्लैब डलनी बाकी है। ये देखिए यहाँ पे ट्रसल वगैरह लगा के और इसमें लॉन्चिंग की तैयारियाँ चल रही हैं अभी, इसमें साइड पे ही लॉन्चिंग होएगी इसकी और ऊपर इरेक्शन करेंगे इसके साथ के साथ। ये देखिए दोस्तों, जो ये
राइट साइड में आपको ट्रांसफॉर्म से आगे दिखाई दे रही हैं दो स्लैब, इनमें से एक की कास्टिंग हो रखी है जो लेफ्ट साइड में है, और जो राइट साइड वाली स्लैब है इसकी भी जल्दी हो जाएगी। और ये है टनल नंबर 16 का पोर्टल नंबर 2, जो ये रेलवे की डीबेल कंपनी ये काम कर रही है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, ये भी ब्रेक थ्रू हो चुकी है काफ़ी टाइम पहले, अभी इसमें बेंचिंग का काम कर शुरू हो रखा है। इन्होंने भी बहुत ही स्पीड से ये काम को अंजाम दिया है, 3-4 महीनों में इन्होंने ये पूरी की पूरी टनल थ्रू आउट कर दी है चालू। ये देखिए गर्डर की इरेक्शन के लिए ये ट्रसल लगा दिए गए हैं यहाँ पे, अभी इसके ऊपर गर्डर रखे और उसकी प्रॉपर असेंबलिंग ऊपर ही करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि अगर नीचे से करेंगे तो इसकी वेट बहुत ज़्यादा हो जाना है और यहाँ पे इतनी मोबिलिटी की जगह नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये है जो भी टेम्परेरी रास्ता ओपन है, इधर से जो कोठीपुरा से गाड़ियाँ आती हैं और ये इधर चल के जिसको भी भगेड़ की तरफ जाना होता है इस रास्ते से जाएंगे, या जिसको बरड़ाई आना होता है वो भी इस रास्ते से आएगा। चलो दोस्तों, लेके चलते हैं आपको इस रास्ते पे भी आगे और दिखाते हैं इस रास्ते को। अभी हम आ गए हैं इस ब्रिज के पोर्टल नंबर A2 साइड पे, तो यहाँ से ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है दोस्तों। इस पे अभी मैन यही काम बचा हुआ है इस पे, जो ये बीच वाले स्पैन पे गर्डर असेंबल करके और इसकी स्लैब डालना। ये देखिए यहाँ के रेनफोर्समेंट कंप्लीट हो रखी है लास्ट वाली स्लैब की, और इसकी कंक्रीटिंग की तैयारी चल रही है अभी। ये देखिए लेबर वगैरह वाइब्रेटर लेके आ चुके हैं स्लैब के ऊपर, और ये बूम आ चुका है, अभी जल्दी ही इसके आधे घंटे के अंदर कंक्रीट शुरू कर देंगे हम। इसी के साथ ही यहाँ की जो 4 स्लैब की कंक्रीट हो चुकी होगी और बस 2 स्लैब बचेंगी फिर हमारी कंक्रीट के लिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी सबग्रेड का काम कंप्लीट हो रखा है। चलो दोस्तों, अभी आपको दिखाते हैं हम जो ये नॉन से गाड़ियाँ आएंगे जो हमारी, और जिनको भराड़ी या भगेड़ जाना है वो इस रास्ते से होके जाएंगे। ये जो सामने आपको ट्रैफिक आती दिखाई दे रही है, ये जबली विलेज से आ रही है यहाँ पे। ये देखो ये जो टैंकर है और इसके पीछे जो गाड़ियाँ हैं, ये जबली की तरफ से होके आ रही है यहाँ पे। अभी मेनली ट्रैफिक इसी रूट से डाइवर्ट कर रखी है ताकि हम जल्दी से जल्दी इस वाले काम को कंप्लीट कर सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रैफिक रहेगी उतना ही काम सफर होता है, तो इसलिए थोड़ा पब्लिक को हल्की परेशानी तो हो रही है, लेकिन इसी से ही ये प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो पाएगा। ये देखिए दोस्तों, जो ये रैंप ऊपर चला गया है ये 4 लेन में कनेक्ट हो जाएगा आगे चल के, और ये भराड़ी और भगेड़ के लिए या जिसको उधर धर्मशाला की तरफ जाना होगा इसी रास्ते से होकर जाना पड़ेगा उनको। वैसे जो चंडीगढ़ जाने के लिए भी ये रास्ता काफ़ी शॉर्ट पड़ता है अब, वैसे जो एग्जिस्टिंग मनाली रोड है वहाँ से भी जा सकती है पब्लिक चंडीगढ़, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा ही लगेगा, 1.5 से 2 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएगा उसमें जाने से। इस रास्ते से जाने से आपका 1.5 से 2 घंटे का टाइम सेव हो जाएगा। ये देखिए, इसमें एक तरफ का सब ग्रेड बन के रेडी है और दूसरी तरफ का सब ग्रेड बनाने लग रहे हैं अभी। ये देखिए दोस्तों, रोड रेलवे ब्रिज के चलते ना ये रोड की हाइट थोड़ा ज़्यादा हो गई है, इसके चलते जो ये सराउंडिंग के घर हैं इनका लेवल काफ़ी डाउन हो गया है। तो अभी यहाँ से जस्ट 200-300 मीटर आगे चलते ही भराड़ी विलेज आ जाएगा, और जो भराड़ी विलेज का जो मेजर ब्रिज है आपको जो सामने दिखाई भी देने लग जाएगा, जो ये सफ़ेदे के पेड़ हैं इनके जस्ट पीछे आपको दिखाई दे रहा है वो भराड़ी का मेजर ब्रिज है, जो कि इस प्रोजेक्ट के सबसे अहम ब्रिजों में से एक है और मेरा फेवरेट ब्रिज है ये।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको साइन बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से लेफ्ट साइड चंडीगढ़ के लिए है और राइट सीधा जो रास्ता ये मनाली की तरफ चला जाएगा आगे चल के। ये दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं ऐसी और भी वीडियो आप सबके लिए ला सकूँ। थैंक यू। ये रास्ता चला जाएगा अपना चंडीगढ़ को।